निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने में शामिल पुष्पांजलि रिलायंस के डायरेक्टर राजपाल वालिया पर भी पुलिस ने 25,000 रुपए का नाम घोषित किया है। उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इस मामले में ईडी वालिया की पत्नी शेफाली को मेरठ से गिरफ्तार कर चुकी है। वर्ष 2020 में काफी लोगों ने पुष्पांजलि रिलायंस बिल्डर पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस मामले में पुलिस ने शुरुआत में डालनवाला थाने में पुष्पांजलि के मालिक दीपक मित्तल, पत्नी राखी मित्तल, डायरेक्टर राजपाल वालिया आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। थाना डालन वाला पर एक मुकदमा पिछले वर्ष लिखा था, जिसमें मित्तल फैमिली जो है के दीपक मित्तल और राखी मित्तल पर इसमें केसेस रजिस्टर्ड थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान राजपाल वालिया का नाम आने पर उस पर भी साक्ष्य होने पर इसमें इनाम घोषित किया गया, क्योंकि तीनों लोग अभी फरार चल रहे हैं लगातार, और न्यायालय से वारंट भी लेने के बाद इसमें इनाम किया गया। राजपाल वालिया पर अब 25,000 का इनाम भी अभी घोषित किया गया है, और ये दो लोग जो पहले पुरुष थे इनका अभी पता चला था कि इंडिया में नहीं है, बाहर है, कल का और सर्कुलर भी जारी है। साथ ही साथ ईडी में भी केस रजिस्टर्ड है तीनों के खिलाफ, तो ईडी से भी समन्वय बनाकर इसमें कार्रवाई की जा रही है। मुझे लगता है इनके जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की जो बात थी वो भी ईडी द्वारा चूंकि पूर्व में की जा चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एजेंसी के साथ मिलकर और उसमें जो भी साक्ष्य आ रहे हैं उसको साझा करके आगे की जा रही है। अरेस्ट के लिए स्पेशली बताया गया है कि जब भी अगर जो इंडिया के बाहर है उसके लिए तो जो विधिवत कार्रवाई वो जारी है, अगर इंडिया में राजपाल वालिया के संबंध में कोई जानकारी आती उस संबंध में भी हमने स्पेशल जो हमारी CIU SOJ की टीम है उसको लगाया।